डायरेक्टर किरण राव ने रिवील किया है कि उनकी सॉफ्टमोर फीचर लापता लेडीज को अगले साल अकादमी अवार्ड्स में कंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा। किरण राव अपनी नई फिल्म लापता लेडीज की रिलीज का इंतजार कर रही हैं, जो 1 मार्च को सिनेमास में रिलीज होगी। किरण राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी प्राइमरी रिकॉग्निशन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के रिस्पांस से होती है। अगर ऑडियंस और कॉम हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी तारीफ होगी। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म की टीम रिलीज का ईगरली इंतजार कर रही है, ये देखने के लिए कि इसे फैंस की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है। अगर हमारी फिल्म को वर्दी समझा जाता है तो हम इसे ऑस्कर अवार्ड्स के लिए प्रेजेंट करेंगे। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे 2 दुल्हनें ट्रेन में बदल जाती हैं क्योंकि वो घूंघट के नीचे हैं। ट्रेलर का स्टार्ट एक आदमी के साथ होता है जो अपनी वाइफ को अपनी फैमिली और गांव के लोगों के सामने अनवेल करता है और उसे रियलाइज होता है कि वो गलत दुल्हन को घर ले आया है। लापता लेडीज में नीतांशी जोल, प्रतिभा रणता, चाय कदम और स्पार्श श्रीवास्तव लीड रोल्स में हैं। इस फिल्म को लास्ट ईयर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। तो क्या आप लापता लेडीज देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कॉमेंट्स में बताएं।